हेलो गाइज, व्हाट्सअप। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। सो वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट वेन टू चेंज योर कार टायर। कब आप अपना टायर चेंज कर सकते हैं कार का। सो शॉर्ट एंड सिंपल टिप्स रहेंगी मेरी तरफ से इन दिस वीडियो। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो गाइज, टायर जो होते हैं वो मेन पार्ट होते हैं कार का। अगर वो अच्छे नहीं है तो उस पर बहुत चीज़ें इफेक्ट करती है, जैसे राइड कंट्रोल, माइलेज, राइड क्वालिटी, ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती है। अगर वो टायर अच्छे नहीं है तो ये सारी चीज़ें इफेक्ट करेगी। और अगर बहुत लोगों की मिथ होती है, जैसे 5 to 10 years में हमको टायर चेंज कर देना चाहिए, इवन यार 4 to 5 years में हमको कर देना चाहिए। तो गाइज, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी गाड़ी जो है उसकी जो रनिंग कंडीशन पे डिपेंड करती है कि आपके टायर कब चेंज होने चाहिए। अगर रनिंग कंडीशन आपकी जैसे ऑफ रोड है ज़्यादा, तो ऑफ रोडिंग के अकॉर्डिंग आपके जो टायर है वो जल्दी चेंज हो सकते हैं, इवन 1 or 2 years में भी चेंज हो सकते हैं। अगर आपकी रनिंग कंडीशन है मेनली हाईवे पे, तो आपके शायद 3 to 4 years भी चल जाए। तो बेसिकली आपकी जो रनिंग कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है आपका टायर कब चेंज होने होएगा। सो गाइज, अब बात करते हैं कि कब कब आपको अपनी गाड़ी के टायर चेंज करा लेने चाहिए। सो पहला स्टेप है कि टायर एजिंग और क्रैकिंग। यहाँ आपको फोटो दिख रही होगी, आप देख सकते हैं कि टायर एजिंग क्या होती है। आपकी कार में ऐसा कुछ हो जाता है तो आप अपनी गाड़ी के टायर्स बहुत जल्दी बदलवा लें, बिकॉज इससे क्या होता है, टायर के बर्स्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बिकॉज टायर एजिंग होती क्यों है, होती इसलिए है क्योंकि जब आप अपनी कार बहुत टाइम रनिंग कंडीशन में नहीं आती है, कार खड़ी रहती है, स्टेबल खड़ी रहती है एक ही जगह पे, तो ये चीज़ें आ जाती है आपके टायर में, या आपका जो एक्स्ट्रा टायर है उसमें भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आती है। सो गाइस, सेकंड जो टिप रहेगी वो मेरी तरफ से रहेगी टायर बबल। अगर आपकी टायर में बबल आ जाता है तो इट्स बेटर टू चेंज योर टायर। बिकॉज तो बबल क्यों आता है, बेसिकली एक रीज़न होता है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, तो आप अपना टायर जो है वो क्लेम भी कर सकते हैं। और जो सेकंड मेन रीज़न होता है वो होता है जैसे कि अगर आपकी गाड़ी का हवा कम है, किस तरह से शार्प स्टोन से आपकी गाड़ी लग गई हो, तो चांसेस होते हैं कि आपकी जो टायर की वॉल है वो एलॉय से टच होती है एंड उससे बबल आ जाता है। तो इट्स बेटर कि आप अपनी कार का टायर चेंज करा लें जिसमें बबल हो, बिकॉज उसके चांसेस होते हैं कि वो बर्स्ट कर जाता है। तो इट्स बेटर टू चेंज योर टायर। सो गाइस, थर्ड पॉइंट रहेगा अगर अनइवन टायर होता है आपके कार का, जैसे कि एक साइड से प्लेन होता है एंड एक साइड से ग्रिप होती है उसमें, तो इट्स बेटर टू चेंज योर टायर। बिकॉज उससे क्या होता है, जैसे अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो एक ही पोर्शन पे आपका जो है वो कार का वेट आएगा, दूसरे पोर्शन पे नहीं आएगा, तो उससे क्या होती है आपकी राइड क्वालिटी इफेक्ट होती है एंड इवन माइलेज भी आपकी इफेक्ट होती है। एंड अगर आप वो चेंज ना कराएं तो उससे ये चांसेस होते हैं कि आपका जो एक पोर्शन पे आपका जो वेट आ रहा है, तो उस पे वेट जो आ रहा है चांसेस होते हैं और बर्स्ट हो जाए। सो गाइस, अब बात करते हैं टायर एज के बारे में। टायर एज, जैसे आपकी गाड़ी रनिंग कंडीशन में नहीं आई 4 to 5 years तक, तो क्या होता है, टायर की जो रबड़ होता है वो आपका हार्ड हो जाता है, एंड वो जो हार्ड रबड़ होता है वो आपके सस्पेंशन को इफेक्ट करता है। अगर आप जैसे ड्राइव कर रहे हैं, आपकी गाड़ी जो है वो ड्राइव कर रहे हैं एंड आपकी जो रबड़ है टायर की वो हार्ड है, तो उससे इफ़ेक्ट क्या होगा, आपके सस्पेंशन पे इफेक्ट होगा, सस्पेंशन पे ज़्यादा लोड आएगा एंड टायर उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो इट्स बेटर कि आप अपना टायर चेंज कर लें टू इम्प्रूव योर राइड क्वालिटी। सो गाइस, लास्ट टिप मेरी तरफ से रहेगी वियर एंड टीयर इंडिकेटर। ये हर टायर ब्रांडेड टायर पे मेंशन होता है कि वियर एंड टीयर इंडिकेटर वो मेंशन करते हैं। तो जैसे आप अपनी कार ड्राइव कर रहे हैं, आप चेक करें कि आपकी जो इंडिकेटर है ये प्रॉपरली अगर लेवल में आ गया है तो आप चेंज कर लें, और अगर नहीं आया तो आप इट्स बेटर कि आप अभी चल सकते हैं, आपकी टायर की लाइफ जो है वो अभी बची हुई है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ आइडिया कि कैसा लगता है वियर एंड टीयर इंडिकेटर। सो गाइज, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ टायर वियर एंड टीयर इंडिकेटर कहाँ पे होता है। सो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये टायर वियर एंड टीयर इंडिकेटर होता है। सो अगर मैं आपको साइड से दिखाऊँ तो अभी इसमें आप देख सकते हो कि कितना लेवल बचा हुआ है टायर का, क्योंकि ये अभी ब्रांड न्यू टायर है, तो इसमें आप देख ही सकते हैं कि पूरा 100% अभी बचा हुआ है। और ये जब तक, जब ये लेवल इसके लेवल पर आ जाएगा तो इट मीन्स कि आपको चेंज कराना पड़ेगा टायर। तो ये होता है वियर एंड टीयर इंडिकेटर। सो गाइज, दीज आर द 5 टिप्स फ्रॉम माई साइड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, एंड आपको आइडिया एक लग ही गया होगा कब कब आपको अपनी कार के टायर चेंज करा लेने चाहिए। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।